बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातहू। मैंने आपको दो वीडियो बना के दिए हैं, मतलब एक जून की डिटेल से तमाम बुर्जों की और एक आखिरी हफ्ते की जो कि मई और जून के दरमियान था, यानी कि मई का एंड हो रहा था जून के दरमियान। ये जो वीडियो है स्पेसिफिकली बना रहा हूँ उन तीन बुर्जों के लिए जिनके लिए जून जो है वो बहुत अच्छा रहेगा। वैसे तो मैंने पूरी डिटेल से भी बना के दी हुई हैं, लेकिन उन तीन बुर्जों के लिए जिनके लिए जून का महीना जो है वो बहुत अच्छा रहेगा और किन मामलात में अच्छा रहेगा, कहाँ से जो है उनको बेनिफिट होगा, उसकी ये वीडियो है। हतमी ज़ात अल्लाह ताला की है, यकीन कामिल रखें इंशाल्लाह बेहतर होगा। तो हम ये देख लेते हैं तफसील के साथ, ठीक है। दुआ में याद रखिएगा, सदका और खैरात करते रहिएगा। सबसे पहले जिस बुर्ज की बात करेंगे वो है स्कॉर्पियो वालों। स्कॉर्पियो वालों के लिए वैसे तो मैंने जो छः लकीस्ट बुर्ज 2023 के बनाए थे उनमें भी ये शामिल है, जो 2023 के अंदर जो के बेनिफिट लेंगे उनमें ये स्कॉर्पियो मैंने बड़ी डिटेल से वहाँ बयान किया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो देखी हो तो पूरा टाइम जो है इनके लिए अच्छा रहेगा। तो हम देख लेते हैं स्कॉर्पियो के लिए ये टाइम पीरियड कैसा रहेगा। अगर हम सिर्फ इनकी जून की बात करें तो हमने जैसे कि बताया कि 2022 से ये स्ट्रगल कर रहे थे, तो अब इनके लिए बहुत अच्छा टाइम है 2023 का। और अब जो जो गुजर रहा है स्कॉर्पियो वाले लाजमी बताइएगा कि कहाँ तक आपके मामलात ठीक हुए हैं कि नहीं, क्योंकि यहाँ पर हमें ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ जो थे आपके वो बेहतर नज़र आते थे, यानी कि ज़िंदगी के तमाम आपके जो मामलात थे वो बेहतर नज़र आते थे। लेकिन आपने बताना है कि अब आपको कहाँ तक लगा है कि कौन कौन से मामलात बेहतर हुए और कौन से नहीं हुए, जिनके बारे में आप सोच रहे थे कि ये बेहतर होने चाहिए थे या आपकी एक्सपेक्टेशंस पे पूरे नहीं उतरे, तो आपकी तरफ से जो फीडबैक है वो लाजमी आनी चाहिए। क्योंकि हमें जो यहाँ पे नज़र आ रहा था वो हमें नज़र आ रहा था कि आपका जो फेथ है यानी कि आपका यकीन जो है वो बड़ा मज़बूत होता नज़र आ रहा था, कि आप कुछ मामलात में अपने अकायद के मामलात में अपने नज़रियात में कुछ आपकी जो थिंकिंग थी वो आपकी जो डिफरेंट थी वो अच्छी होती नज़र आ रही है। और हमें आप जो है वो रिस्क लेते हुए नज़र आ रहे हैं जून के अंदर आप अपने कारोबार में, और पूरे साल में हमें नज़र आ रहा था कि बहुत से मामलात में आप थोड़ा सा रिस्क ले रहे हैं, जॉब चेंज करना इस तरह का रिस्क ले रहे हैं, बिज़नेस चेंज करना, पार्टनरशिप करना या पार्टनरशिप ख़त्म करना, इस किस्म के रिस्क हमें नज़र आ रहे थे। कैरियर के हवाले से हमें ये साल आपका बहुत अच्छा नज़र आ रहा था, और जब कैरियर अच्छा होता है तो फाइनेंस खुद बहुत अच्छा हो जाता है। हमें नज़र आ रहा था कि आपके बहुत से ऐसे ख्वाब जो कि पेंडिंग थे वो हल होते नज़र आ रहे हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जिनमें रुकावट थी, ताल्लुकात में रुकावट थी, मोहब्बत के मामलात में रुकावट थी, वो हमें नज़र आ रहा था कि आपके 2023 में बहुत अच्छे होंगे। और जून में तो हमें नज़र आ रहा है कि आपके जो मोहब्बत के मामलात हैं वो बड़े अच्छे होने वाले हैं, और जहाँ कहीं पे आप शादी देख रहे थे तो हमें ये नज़र आ रहा है कि आप वहाँ पे करने वाले हैं, और जिनकी शादीशुदा ज़िंदगी थी वो बड़ी अच्छी नज़र आ रही थी। तो आपने हमें ये बताना है कि कहाँ पे आपको लगता है कि आपने इम्प्रूवमेंट की है और कहाँ पे आपको लगता है कि अभी आप स्टक हुए हुए हैं। हम इस पर फिर और डिटेल से देखेंगे और आपको वीडियो बना के देंगे कि कौन कौन सी रेमेडीज़ हैं जो आपको करनी चाहिए, वज़ायफ़ कौन से करने चाहिए, किस तरह से मामलात को देखना चाहिए, ठीक है। तो हमें जून में भी आप प्रोग्रेस करते नज़र आ रहे हैं, सदका और खैरात करते रहे, हतमी ज़ात अल्लाह ताला की है। इसके बाद दूसरे नंबर पे जिनकी बात करेंगे वो है लिब्रा वाले। लिब्रा वालों के लिए भी 2023 बहुत अच्छा था, हाई पोटेंशियल हमें नज़र आ रहा था इस साल 2023 में। लिब्रा जो था 2022 की और 21 की मुश्किलात से निकलता हुआ नज़र आ रहा था, हमें उनकी जो हैं मोहब्बत के मामलात जो थे वो नज़र आ रहे थे, एक ग्लोरी सी नज़र आ रही थी कि वो एक ग्लोरी पाएंगे जिनका ताल्लुक जो है वो शोबा आर्ट से है, या जिनका ताल्लुक परफॉर्मिंग आर्ट से है, या गाने से है, या फिल्म थिएटर, या जिससे भी है। तो अब आपने ये बताना है क्योंकि मिड ऑफ द ईयर तकरीबन होने वाला है, जून होने वाला है, कि कहाँ तक मामलात जो थे वो चल कर आए हैं और कहाँ पर जाकर खड़े हुए हैं। अभी भी हमें जो है जून के अंदर जो है वो बहुत अच्छा आपका टाइम पीरियड नज़र आ रहा है, हमें नज़र आ रहा है कि आप अपने गोल्स की तरफ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहे हैं। फाइनेंशियली जो है आपके मामलात जो है वो बड़े अच्छे हुए हुए हैं,
और जून में और ज़्यादा बेहतर हो जाएंगे। हमें आपकी कैरियर अपॉर्चुनिटीज़, लव, लक, ग्लोरी, ये चीज़ें बहुत क्लियर यहाँ पर नज़र आ रही थी। मतलब आप वो मोहब्बत पा लेंगे जिसकी आपको एक दो साल से तलाश थी। हमें ये नज़र आ रहा था कि आपके मोहब्बत के मामलात बड़े अच्छे हो जाएंगे। आपका रूलिंग प्लैनेट जो है वो वीनस है, और आपको पता है कि वीनस जो है वो मोहब्बत का सियारा है, वो लग्जरी का है। तो हमें तो नज़र आ रहा था कि परफॉर्मिंग आर्ट वाले लोग बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो आपने लाजमी लाजमी ये बताना है कि कहाँ तक आपका मामलात पहुँचे हैं, अब आप क्या समझ रहे हैं कि कहाँ पे खड़े हुए हैं, आपके कैरियर के हवाले से जो अपॉर्चुनिटीज़ आपको पोटेंशियली मिल रही थी जिनकी वजह से आपने मॉनेटरी गेन करना था वो आपने किया या नहीं किया, और कहाँ पे आप फंसे हुए हैं। फेयरलेसली अपने चेजिंग ऑफ गोल हमें नज़र आ रहा था, बड़े मोटिवेटेड आप जो है वो नज़र आ रहे हैं। जून में तो आपकी मोटिवेशन जो है वो बढ़ती हुई नज़र आ रही है कि आप जो है जो टारगेट रह गए हैं उनको अचीव करने के पीछे लगे हुए हैं, और आपको लग रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता प्रोग्रेस बड़ी अच्छी हो रही है। तो अब आपने वो देख के बताना है कि वो कैसे है। घरेलू लाइफ तो जिनकी है उनकी अच्छी गुजर ही रही है, लेकिन जो सिंगल थे उनके लव के मामलात बड़े अच्छे नज़र आ रहे थे। इसी तरह जो लोग टिकटॉक पे या इंस्टा पे या यूट्यूब के ऊपर काम कर रहे हैं उनका भी नज़र आ रहा था कि अब उनकी ग्रोथ जो है वो शुरू हो चुकी है, जो कि उनकी एक दो साल से जो काम कर रहे थे और जिन्होंने अभी भी स्टार्ट किया हुआ है उनका भी नज़र आ रहा है कि जून के अंदर उनकी ग्रोथ जो है इस मामले में बड़ी अच्छी हो जाएगी। ठीक है, हतमी ज़ात अल्लाह ताला की है, लेकिन आपने हमें बताना है कि मामलात कहाँ तक पहुँचे हैं और कहाँ पे आकर स्टक हुए हुए हैं या कहाँ पे प्रोग्रेस हो रही है। ठीक है, उसके बाद आखिर में बात करेंगे जोजा या जमनाई वालों की कि उनके लिए कैसा रहेगा। तो हमने ये बताया 2023 में जो 6 लकीस्ट की हमने वीडियो बनाई थी उसमें इनका जिक्र भी किया था, और हमने ये बताया था कि वो इसके अंदर शामिल है जिनके लिए पीछे 7.5 साल की सारसती ख़त्म हुई है। मार्च में जाके इनकी सारसती ख़त्म हुई थी और मार्च से इन्होंने प्रोग्रेस करना शुरू किया था। 2023 के मार्च हमने कहा था कि ये प्रोग्रेस करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता जून में हमें अपने ये गोल्स या ड्रीम्स को कम ट्रू करते हुए नज़र आ रहे थे। हमें 2023 बड़ा लकी ईयर नज़र आ रहा था, इसमें जॉब प्रमोशंस, मैरिज और स्टडी इन द टॉप यूनिवर्सिटीज़, ये तीन जो शोबे थे इसमें आप प्रोग्रेस करते हुए नज़र आ रहे थे। तब आपने बताना है कि मामलात कहाँ तक पहुँचे हैं, अब आपको क्या लग रहा है कहाँ पे स्टक है या कहाँ पे मामलात अच्छे हो गए हैं और ज़्यादा बेहतर हो रहे हैं, वो सारी तफसीलात आपने हमें बतानी है। जॉब प्रमोशंस के हवाले से आपने लाजमी बताना है, अपनी शादी के हवाले से, क्योंकि हमें तो नज़र आ रहा है कि आपके जो ताल्लुकात हैं शादी के वो बड़े अच्छे बन रहे हैं, जून के अंदर बड़े अच्छे बन रहे हैं। जिनकी शादी जो है वो आगे जाके सितंबर अक्टूबर नवंबर में होगी, लेकिन उनके लिए बड़े अच्छे रिश्ते जो है वो हमें जून में आते हुए नज़र आ रहे हैं। आपकी जो परवरिश या परेशानियां थी जो 2022 में बहुत बढ़ चुकी थी जब सारसती का इख्तितामी दौर था, हालांकि उस वक्त वो कम होती है लेकिन आपके लिए बहुत बढ़ गई थी, बिल्कुल एंड में आपके लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ़ और परेशानी थी नवंबर दिसंबर में। तो हमें ये नज़र आ रहा है कि आगे जाके जनवरी से और फिर हमें फरवरी और मार्च से ये भी महीने थोड़े से सारसती के अंदर थे कि उसके बाद से आपकी प्रोग्रेस, तो आपने बिल्कुल अभी प्रोग्रेस शुरू किया मार्च 7 के बाद से, मार्च के बाद अप्रैल मई 2 महीने गुजरे, लेकिन हमें नज़र आ रहा है कि बड़े अच्छे रिजल्ट्स हैं, बड़े पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं। जिनकी शादी हुई है बच्चों की तरफ से उन्हें बड़े अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। घर के मामलात में जिनके घर नहीं था उनको घर मिलने वाला है, फाइनेंशियल मामलात अच्छे होने वाले हैं। तो आपने ये बताना है जिनके शादीशुदा लोग हैं कि आपके बच्चों की प्रोग्रेस कैसी रही। हमें मार्च के बाद आपके बच्चे जो हैं अनएक्सपेक्टेड तौर पर अच्छे रिजल्ट देते हुए नज़र आ रहे हैं, बड़ी अच्छी ग्रोथ नज़र आ रही है। जिन लोगों का घर नहीं था उनको घर की खुशखबरी नज़र आ रही है, फाइनेंशियल मामलात अच्छे नज़र आ रहे हैं। तो 2023 में आप जो हैं विद नॉलेज आपकी जो है वो बढ़ेगी, मोहब्बत के मामलात आपके जो है वो बढ़ेंगे, और वन ऑफ द लकीस्ट ईयर 2023 को आपके लिए बुर्ज में कहा गया था। तो आपने ये लाजमी 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 जो है हमें बताना है। हम आपकी तजवीज़ात का, आपकी बातों का खैर मकदम भी करते हैं, वेट भी करते हैं, और उम्मीद है कि इंशाल्लाह बेहतर होगा। तो आप बताइएगा, फिर हम देखेंगे कौन से रेमेडीज़ करनी चाहिए, कौन से कहाँ पे आप स्टक हैं और कहाँ पे नहीं,
कहाँ पे प्रोग्रेस हो रही है और आपको नहीं लग रहा क्या हो रही है, थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे ना अपना, तो आपको सारे मामलात बड़े क्लियर कट नज़र आने शुरू हो जाएंगे। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब। शुक्रिया।